Continuing in the chapter of body fluids and circulation, in seventh and the final lecture today, आज हम बात करने वाले हैं regulation of cardiac activity की और disorders related to the circulatory system. अब regulation of cardiac activity के अंदर हमें सिर्फ purely strictly NCERT पे ही हमें जुड़े रहना है और इसके अंदर भी सिर्फ NCERT इन हमें तीन बातें कहीं हैं और ये बहुत simple बातें हैं समझने के लिए हम लोग start करते हैं directly NCERT को read करना कि जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं हार्ट की वो रेगुलेट होती हैं इंट्रेंजिकली यानी खुद ही वो अपने आप को रेगुलेट कर लेता है अंदर अपने अपना घर का, का काम खुद से मैनेज करते हैं वो लोग नॉर्मल एक्टिविटी जो है हार्ट की ये रेगुलेट हो जाती है इंट्रेंजिकली यानी ऑटो रेगुलेटेड है पंचायत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती ये खुद मैनेज कर लेता है ऑटो रेगुलेटेड है बाई स्पेशलाइज्ड मसल्स जिसको हम लोग नोडल टिश्यू कहते हैं और यही रीज़न है हमारा जिसकी वजह से हम लोग हार्ट को क्या कहते हैं कि हार्ट इज़ मायोजेनिक ये चीज़ याद रखना कि नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो हैं हार्ट की वो ऑटो रेगुलेटेड होती हैं इंट्रेंजिकली स्पेशलाइज्ड मसल्स के थ्रू उन मसल्स का नाम क्या है नोडल टिशू तो नोडल टिशू क्या करता है हमारे नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ द हार्ट को रेगुलेट करता है और इसी रीज़न की वजह से हम लोग इसको मायोजेनिक कहते हैं अब यहाँ से अजर्शन रीजन की स्टेटमेंट भी बन जाती है अजर्शन uh, आता है आर हार्ट या ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक और उसका रीज़न ये हो जाएगा कि स्पेशल टिशू मसल मस्कुलर टिश्यू कॉल्ड द नोडल टिश्यू इज प्रेजेंट विच रेगुलेट्स दी हार्ट मसल्स इंट्रेंजिकली तो ये क्या होगा कि अजर्शन रीजन बोथ ट्रू और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगा फिर सेकेंड स्टेटमेंट जो एन डिस्कस करती है हमसे वो क्या करती है एक स्पेशल सेंटर प्रेजेंट है कहाँ पर मेड्यूला ऑबलोंगेटा के अंदर जो कि मॉडरेट कर सकता है हमारे कार्डियक फंक्शंस को किसकी मदद से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की मदद से हम लोग जब अपना नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे तब हम लोग बात करेंगे ए का डीप में कॉम्पोनेंट्स क्या क्या होते हैं बट इसके मेनली दो कंपोनेंट्स होते हैं हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम नाम से पता चल रहा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तो सिंपैथी देने का काम करेगा सिंपैथी कब दी जाती है नॉर्मल सेंसेस में जब कोई इमरजेंसी हो आप बस इस बात को याद रखना कि सिंपैथी तब देते हैं जब कोई इमरजेंसी हो तो सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम कब काम करेगा एमरजेंसी में और एमरजेंसी है तो कैसे हार्ट रेट कैसे रहेगा बढ़ा हुआ रहेगा स्ट्रेंथ कैसी रहेगी वेंटिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की बढ़ी हुई रहेगी और कार्डिक आउटपुट भी हमारा बढ़ा हुआ रहेगा ये एक बात आपको सारी चीज़ें याद करवा देगी ए के फंक्शंस के बारे में क्या कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सिंपैथी देना कब काम आएगा ये जब इमरजेंसी कंडीशन होगी इमरजेंसी की कंडीशन में इंसान के दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं उसकी जो स्ट्रेंथ है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की वो बढ़ जाएगी और हमारा कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा इसका ठीक उल्टा होगा पैरासिम्पैथिक न्यूरल सिग्नल्स की वजह से पैरासिम्पैथिक न्यूरल सिस्टम्स क्या करेंगे नॉर्मलाइज़ करने की तरफ काम करेंगे तो ये क्या करेंगे डिक्रीज़ कर देंगे हार्ट रेट को हार्ट की जो बीट है धड़कनों को आराम से ले आएंगे स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल भी जो है ये नॉर्मलाइज करेंगे यानी डिक्रीज़ की तरफ करेंगे इसको और कार्डिक आउटपुट को भी ये नॉर्मल बना देंगे हमारा इस चीज़ को याद रखना ये दूसरे पॉइंट के अंदर एन ने हमसे सारी बातें करी हैं क्या कि मड्यूला ओब्लोंगेटा के अंदर एक सेंटर प्रेजेंट है स्पेशल न्यूरल सेंटर उसका नाम नहीं बताया एनसीईआरटी ने और ये जो सेंटर प्रेजेंट है मड्यूला में ये क्या काम करता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करेगा और ऑटोनॉमिक सर नर्वस सिस्टम के कंट्रोल करने के थ्रू क्या करेगा सिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम को सिग्नल करेगा अगर तो सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम को उसने सिग्नल किया है तो क्या हो जाएगी हमारी हार्ट रेट इंक्रीज़ कर जाएगी स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कंट्रेक्शन इंक्रीज़ कर जाएगा और हमारा फाइनली कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ कर जाएगा बात करें हम लोग पैरासिम्पेथेटिक न्यूरल सिग्नल्स की तो पैरासिम्पेथेटिक न्यूरल सिग्नल्स की वजह से क्या होगा सारी चीज़ें नॉर्मलाइज होने की तरफ काम करेंगी यानी हमारी हार्ट रेट जो है डिक्रीज़ कर जाएगी कंडक्शन की जो स्पीड है एक्शन पोटेंशियल की वो डिक्रीज कर जाएगी और हमारा कार्डियक आउटपुट जो है डिक्रीज करके नॉर्मल पर आ जाएगा और तीसरी बात जो रेगुलेशन ऑफ कार्डिक एक्टिविटी में एन हमसे कहती है वो ये कहती है एड्रीनल मेड्यूलरी हार्मोन्स एड्रीनल ग्लैंड एड से क्या था एड मतलब ऊपर रीनल मतलब किडनी किडनी के ऊपर जो ग्लैंड प्रेजेंट है एड्रीनल ग्लैंड्स उसमें दो पार्ट्स होते हैं कॉर्टेक्स और मेड्यूला तो कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स निकलते हैं उनको कार्टिकॉइड्स कहते हैं और मेड्यूला से जो हार्मोन्स निकलते हैं उनको हम लोग कैटिकोलामाइंस कहते हैं एड्रीनल मेड्यूलरी हारमोन्स जो होते हैं ये क्या काम करते हैं हमारे एग्जाम्पल के तौर पे एपिनेफ्रीन नॉर अपीनफरीन या एड्रीन नॉर एड्रीन ये क्या करेंगे हमारे एड्रीनल मेडुलरी हारमोन्स इंक्रीज़ करेंगे हमारे कार्डियक आउटपुट को ये था हमारा सारा डिस्कशन रेगुलेशन ऑफ़ द कार्डियक एक्टिविटी के अंदर फिर बात आती है हमारी डिसऑर्डर्स ऑफ द रेस्कुलेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम की अब इसके अंदर पहला डिसऑर्डर है हमारा हाई बीपी ब्लड प्रेशर जो है हाई है तो इसको क्या कह, कहते हैं हम लोग हाइपरटेंशन भी कहते हैं नॉर्मल बीपी कितना होता है नॉर्मल बीपी होता है 120 ट्वेंटी ओवर एट्टी वन ओवर एट्टी का क्या मतलब है कि 120 जो है हमारा ये 120 है सिस्टोलिक यानी कॉन्ट्रैक्शन जब कर रहे हैं हमारे वेंट्रिकल्स तब का और जब रिलैक्सेशन हो रही है तब है एट्टी तो ये डायस्टोलिक बी है और ये सिस्टोलिक बी है इसको कैसे रीड किया जाता है 120 ट्वेंटी ओवर एट्टी जैसे 140 फोर्टी बाई नाइन्टी लिखा है तो इसको कैसे पढ़ते हैं 140 फोर्टी ओवर नाइन्टी अब क्या बात आती है कि हाइपरटेंशन कब कहेंगे जब हमारा बीपी जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा रहेगा कितने से ज़्यादा 140 सौ चालीस बाई नब्बे एक ओवर नब्बे से या तो रिपीटेड रहे या इससे ज़्यादा हो मिनिमम इतना या इससे ज़्यादा अगर होगा तो हम लोग उसको हाइपरटेंशन कहेंगे यही एन ने हमें कहा है डायरेक्टली रीड करते हैं हाइपरटेंशन किसके लिए यूज़ किया एक टर्म है किसके लिए बीपी के प्रेशर के लिए बीपी के लिए जो कि हाइयर देन नॉर्मल हो नॉर्मल कितना है एक ओवर एट्टी इस मेजरमेंट के अंदर 120 सौ बीस क्या है हमारा सिस्टोलिक या पंपिंग प्रेशर है और 80 एम एम जो है हमारा डायस्टोलिक या रेस्टिंग प्रेशर है अगर रिपीटेड जो चेकअप करवाए हमने बीपी के एक इंडिविजुअल के उसके 140 ओवर 90 से ज़्यादा आया 140 ओवर 90 और या तो इतना या इससे ज़्यादा और हायर इसका ये मतलब है कि वो इंडिविजुअल जो है हाइपर से सफ़र कर रहा है और हाइपर की बात करें तो हाइपर के अंदर इसका ये मतलब हुआ कि हमारा हार्ट जो है वो क्योंकि ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है उसको तो हाई बी की वजह से हमारे हार्ट की डिजीज़ जो हैं वो पैदा हो जाएंगी और जो हाई ब्लड प्रेशर है तो ब्लड का जो प्रेशर है वो हाई है तो जो हमारे सॉफ्ट डेलिकेट ऑर्गन्स हैं जैसे ब्रेन है और किडनी है ये भी हमारे अफेक्ट हो सकते हैं वाइटल ऑर्गन्स तो ये सब हमें देखने को मिलेगा कि भाई हाई बीपी के अंदर हाइपरटेंशन के अंदर क्या चीज़ है या तो 140 फोर्टी बाई नाइन्टी रह रहा है इंसान का बी या इससे ज़्यादा और इसके अंदर जो है हार्ट डिजीज ब्रेन और किडनी डिजीज भी हमें देखने को मिल सकती हैं फिर अगली बीमारी हमारी आ रही है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ अब मैं इस वाली बीमारी को शुरू करने से पहले ये वर्ड कोरोनरी से अगर कुछ आपको याद आ रहा हो तो हमने यहाँ डिस्कशन में पढ़ा था सर्कुलेटरी uh, सिस्टम के हम लोग जब सर्कुलेटरी पाथवे डिस्कस कर रहे हैं तो एक कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है ये हमने डिस्कशन किया था इसका क्या काम होता था कोरोनरी आर्टरी का कोरोनरी आर्टरी ब्लड को ही सप्लाई करती थी कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स इज प्रेजेंट इन आर बॉडी एक्सक्लूसिवली यानी सिर्फ और सिर्फ फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम एंड टू द कार्डियक मस्क्यूलेचर टू एंड फ्रॉम द कार्डियक मस्क्यूलेचर अब यही बात आ रही है कोरोनरी आर्टरी में डिजीज़ हो गई है यानी सी हो गया है कोरोनरी आर्टरी की डिजीज़ को क्या कहते हैं हम लोग अथिरोस्कलस भी कहते हैं ये नाम याद रखना अथिरोस्कलरोसिस भी कहते हैं हम लोग सी को कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को इसमें क्या होता है हमारा जो वेसल्स द वेसल्स द वेसल्स वो वेसल जो ब्लड सप्लाई कर रही है हार्ट को यानी हमारी कोरोनरी आर्टरी उसके अंदर क्या होगा डिपोजिशन हो जाएगा कैल्शियम का फैट का कोलेस्ट्रॉल का और फाइब्रस टिश्यू का जिसकी वजह से उन आर्टरीज़ का जो ल्यूमन है वो नैरोवर हो जाएगा पतला हो जाएगा इस बीमारी को क्या कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ या अथीरोस्लोसिस फिर अगली बीमारी आती है हमारी एंजाइना एंजाइना का अच्छा सा नाम क्या है एंजाइना पैक्टोरिस एंजाइना पैक्टोरिस क्या है कि हमारे चेस्ट के अंदर पेन होता है पैक्टोरल रीजन किसको बोलते हैं हम लोग हमारे चेस्ट रीजन को एंजाइना पेन पेन इन द चेस्ट रीजन कैसा है ये एक्यूट चेस्ट पेन है और क्या ये कोई बीमारी है नहीं ये एक सिम्टम है सिम्टम है यानी किसी भी बीमारी में हमें ये सिम्टम देखने को मिल सकता है एक्यूट चेस्ट पेन जो होता है हम लोग उसको एंजाइना कहते हैं चेस्ट में है इसलिए अनजाइना पैक्टोरिस कहा हमने अब ये किस वजह से होता है जब ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा हमारे हार्ट की मसल्स को तब हम लोगों को एंजाइना पैक्टोरिस होगा और ये किस एज में हो सकता है कैन अकर इन मेन एंड वुमेन बोथ ऑफ एनी एज लेकिन कॉमन किसके अंदर है मोर कॉमन अमंग द मिडल एज्ड और एल्डरली यानी मिड एज के लोगों में चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो और एल्डरली यानी बूढ़े लोगों में ये ज़्यादा कॉमन होता है पर हो किसी भी एज वाले में सकता है इस चीज़ को याद रखना एंजाइना जो है किसी में भी हो सकता है मर्द और औरत दोनों में हो सकता है किसी भी एज के लेकिन ये मोर कॉमन किसके अंदर है मिडल एज वालों में और एल्डरली लोगों में और ये किस वजह से हो रहा है कि भाई हमने पता किया कि ये जो है नो एन एफ ऑक्सीजन इज़ रीचिंग हार्ट मसल तो ऐसा क्यों हो रहा है कि नो एन एफ़ ऑक्सीजन इज़ रीटिंग द रीचिंग दी हार्ट मसल ये इस वजह से है बिकॉज कुछ कंडीशन ऐसी हो गई है जो अफेक्ट कर गई है ब्लड के फ्लो को यानी एंजाइना पैक्टोरिस के अंदर हमें दो बातें याद रखनी है एक्स्ट्रा कि नो अनफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीजन इज रीचिंग दी हार्ट मसल बिकॉज देयर इज़ अ कंडीशन जिसने अफेक्ट कर दिया ब्लड के फ्लो को ये थी हमारी एंजाइना फिर बात आती है हमारी हार्ट फेलियर के बारे में अच्छा हम लोग हार्ट फेल के बारे में बात करें उससे पहले आप इस चीज़ के बारे में याद करो कि इसमें हमें तीन डिस्कशन करने हैं पहला तो हार्ट फेल का क्या मतलब होता है दूसरा कार्डियक अरेस्ट का क्या मतलब होता है और तीसरा हार्ट अटैक का क्या मतलब होता है अब ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं हार्ट का फेल हो जाना हार्ट का अटैक पड़ना और कार्डियक अरेस्ट होना ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं हमें तीनों समझनी है सबसे पहले बात करें हम लोग कार्डियक अरेस्ट के बारे में अरेस्ट के नाम से पता चल रहा है कि जब हार्ट जो है बीट करना धड़कना ही बंद कर दे दिल धड़कना बंद हो गया अगर आपका तो आपको कार्डियक अरेस्ट है आशिकी नहीं हुई है प्यार मोहब्बत नहीं है कार्डियक अरेस्ट पड़ गया है अगर आपके हार्ट ने क्या कर दिया दिल धड़कना बंद हो गया तो क्या है ये कार्डियक अरेस्ट हो गया हार्ट अटैक का क्या मतलब है हार्ट पे अटैक हुआ किसी चीज़ का अब वो किस वजह से हुआ वन द हार्ट मसल सडनली डैमेज हो गई डैमेज हो गई किस वजह से इन एडिक्यूएट ब्लड सप्लाई की वजह से अब ये इन एडिकुएट ब्लड सप्लाई के मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं हो सकता है हैथिरोस्कलोरिस हो कुछ भी हो सकता है इन इनएडिक्यूएट ब्लड सप्लाई हुई हार्ट के मस्क्यूलेचर पे तो हार्ट की मसल को सडन डैमेज फेस करना पड़ा उसको हमने बोला हार्ट अटैक ये चीज़ थी हमारी हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट का डिस्कशन अब बात आती है हार्ट फेल का क्या मतलब है हार्ट फेल का ये मतलब है हार्ट काम तो कर रहा है लेकिन जितना करना चाहिए था उतना नहीं कर पा रहा इसका मतलब क्या है द स्टेट ऑफ हार्ट वेन इट इज़ नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली ब्लड तो पंप कर रहा है लेकिन इफेक्टिवली नहीं कर रहा यानी जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे कम कर रहा है नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली एनफ टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी उतना काम नहीं कर रहा कि बॉडी की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो पाएँ इस, इस बीमारी को हम लोग कहते हैं हार्ट का फेल हो जाना इसका दूसरा नाम क्या है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ये क्यों बोलते हैं हम लोग क्योंकि इस बीमारी के अंदर कंजेशन ऑफ लंग्स जो होती है एक इम्पॉर्टेंट मेन सिम्टम्स में से है इस वजह से हम लोग हार्ट फेलियर को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहते हैं ये तीन चीज़ें डिस्कशन करी हमने हार्ट फेल क्या होता है व्हेन हार्ट इज़ नॉट पंपिंग एनफ ब्लड टू मीट दी नीड्स ऑफ द बॉडी कर रहा है लेकिन कम कर रहा है जितना करना चाहिए उतना नहीं कर पा रहा हार्ट अटैक का क्या मतलब है कि इन एडिकुएट ब्लड सप्लाई की वजह से सडनली डैमेज हो गई हमारे हार्ट की मसल्स और कार्डियक अरेस्ट का क्या मतलब है कि हमारा जो है हार्ट ने धड़कना ही बंद कर दिया ये सारा डिस्कशन था हमारे डिसऑर्डर्स का और रेगुलेशन का आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया हो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जैसे कार्डियक साइकिल और सर्कुलेटरी पाथवेज वगैरह जो बहुत कंफ्यूजिंग और डिटेल में कंसंट्रेशन मांगती हैं लेकिन एक बार समझ में आ जाए तो बहुत इजी लगता है तो समझ समझ के पढ़ना आई होप मेरे पढ़ाने से आपको समझ में आया हो